करी झूठी आज सब एक नहीं ऐसे। और आज हम बहुत कुछ आपके लिए लेके आए हैं कि दोनों हुकूमतों की सियासत तो नहीं है, कहीं दोनों हुकूमतें किसी मकसद को अंजाम तो नहीं देना चाहती। हमने विस्तार से इस प्रोग्राम को तैयार करा, विस्तार से आप आखिर तक देखिएगा। जहां एक तरफ मोदी की वाहवाही हो रही थी के बदला लिया, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पायलट को अपने कब्जे में लेके शहीदों की उन माओं को बेचैन कर दिया। शहीदों की माओं का कहना है कि मोदी सरकार हमको बताए कि कहां है वो लोग, एक भी उग्रवादी नहीं दिखाया गया, आखिर क्यों। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जिस समय हमला किया था उस समय कितनी खुश थी हिंदुस्तान की जनता, वो नजारा दिखाते हैं। आदत हुई है जो शहीद हुए हैं, लोग मारे गए हैं, निर्दोष हैं जो मारे गए हिंदुस्तान का, इसका बदला था। और जन जन का ये मांग था, पूरे हिंदुस्तान का मांग था कि इस शहादत का बदला हमें चाहिए। आखिरकार मोदी जी ने, मैं मानता हूँ कि अब तक के मोदी के शासनकाल में जो कोई बेहतर कार्य की जाएगी तो इस कार्य की हम करेंगे, पूरा हिंदुस्तान इस बात का साक्षी होगा। और अगला नजारा हम दिखाएंगे कि शहीदों के परिवार की बेचैनी क्यों बढ़ी। इसलिए बढ़ी कि हमारा एक पायलट और उनके कब्जे में पहुंच गया। और उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का ये कहना है कि मुझे पता था कि भारत में इलेक्शन है और इस तरह के हालात होंगे, लेकिन मेरा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हम सुनवाते हैं आपको। और मुझे खदशा इसलिए था कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस हैं और मुझे लग रहा था कि उसकी वजह से कोई एक्शन लिया जाएगा या सुबह, क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं था कि किस तरह का डैमेज हुआ है पाकिस्तान में। हिंदुस्तान की कैजुअल्टीज कर देते जब हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। तो लिहाजा अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं, सिर्फ इसका ये मकसद था। और वहां की मीडिया किस तरह चीख चीख कर कह रही थी कि यहां कुछ भी नहीं हुआ है, वो भी नजारा हम आपको सुनवाते हैं। कहा था कि 350 दहशतगर्द हैं, आपने ये कहा था कि एक बेस को उड़ाया है, उसकी तस्वीर नहीं आई है, कोई ना कोई सैटेलाइट तस्वीर आई है और ऑब्वियसली तस्वीर। और जब इस तरीके की आवाजें शहीदों के परिवार के कानों में पहुंची तो शहीदों का परिवार का दिल टूटा। और उनका ये कहना है कि मोदी जी दिखाएं कि एक भी उग्रवादी जब तक हम आंखों से नहीं देख लेंगे, जब तक यकीन नहीं करेंगे। वायुसेना ने पाकिस्तान पे हमला किया है, उनके जो आतंकी कैंप जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, कितना संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्टि नहीं है बेटा, शहीद हुआ बहुत, माओ के लाल गए, बिल्कुल नहीं संतुष्टि, ना एक भी दिखाया गया। मारा हुआ खाली घरों पर ही छोड़ा गया, अब उनके मरने की ना तो डेड बॉडी कोई दिखाई गई ना उनकी कोई खबर, बिल्कुल नहीं संतुष्टि, बहुत गंभीर है बेटे की। क्या चाहते हैं? बदला चाह जो दिखावे टीवी में भी घर पे भी, उन्हें आतंकवादियों को डेड बॉडी जैसे जवानों की दिखाई गई, मरते हुए भी दिखाए गए, वो आतंकवादी भी बीच में घुसता हुआ दिखाएगा, उन्हें तो एक भी नहीं दिखाया उनका, तो आतंकवादियों का ये देखना चाह हम अपनी आंखों से। सुना आपने शहीदों के टूटे हुए दिल की आवाज के अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारा, हमारे देश का जो पायलट फंसा हुआ है वहां, कुल मिला के अब देखना ये है कि सरकार उसको छुड़ाने के लिए क्या।